हेलो एवरीवन एंड वेलकम आज के हमारे इस वीडियो में। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि हमारे पास जो एक फ्यूल लाइन प्रेजेंट होती है हमारी गाड़ियों में, चाहे वो डीजल की कार हो या पेट्रोल की कार हो, तो उसमें वो फ्यूल लाइन किस तरीके से उसका कनेक्शन होता है टैंक से, फ्यूल सिस्टम से, इंजन से। तो एग्जाम्पल में आज हम ले रहे हैं डीजल इंजन का एग्जाम्पल लेंगे। तो इसमें हमने डायग्राम बना रखा है, ये हमारा अगर हम किसी चार सिलेंडर गाड़ी या छह सिलेंडर या तीन सिलेंडर इंजन को देखें तो उसमें से एक सिलेंडर हमने यहाँ एग्जांपल के लिए लिया है। इंजन में आपको पता ही है तीन बेसिक पार्ट होते हैं, एक होता है हेड, फिर होता है ब्लॉक और एक होता है चैम्बर जिसमें मोबिल ऑयल भरा रहता है और क्रैंक को लुब्रिकेशन देता है। तो सबसे पहले हमारे पास आता है डीजल टैंक जिसके अंदर डीजल भरा होगा। तो डीजल टैंक हमारा दो तरीके से इंजन गाड़ी में लगा रहता है, या तो वो इंजन के ऊपर रहता है या फिर इंजन के नीचे रहता है, या तो अपर हेड पे रहेगा या लोअर हेड पे रहेगा। अपर हेड में रहने का फायदा ये है कि डीजल की सप्लाई अपने आप पाइप में आती रहेगी, लगातार पाइप भरा रहेगा। लेकिन अगर वो लोअर टैंक में है तो नीचे से ऊपर डीजल कैसे पहुंचाया जाए उसके लिए हमें एक डिवाइस की जरूरत पड़ती है जिसे हम फीड पंप भी कहते हैं, कई लोग लिफ्ट पंप कहते हैं, कई से टिल्लू पंप भी कहते हैं। तो इसका काम है इस डीजल टैंक में से डीजल को खींचना और आगे मेन फ्यूल इंजेक्शन पंप और फिल्टर्स की तरफ सप्लाई करना। तो इसे ऐसा करने के लिए दो तरीके से बनाया गया है, एक तो इलेक्ट्रॉनिक, एक तो इलेक्ट्रिकल है और एक हमारा मैकेनिकल है। तो इलेक्ट्रिकल वाला तो सिंपल, उसमें 12 वोल्ट की सप्लाई आती है, 12 वोल्ट की सप्लाई मिलते ही वो 5 से 8 bar का इलेक्ट्रिकल वाला अगर है तो कम से कम 5 से 8 bar का प्रेशर बना के आगे की तरफ सप्लाई करने लगता है। और मैकेनिकल है तो वो भी लगभग 4 से 8 bar तक का प्रेशर बनाता है और आगे की तरफ फ्यूल को सप्लाई करता है। अगर फीड पंप का मेन काम और ये है कि एक तो डीजल टैंक में से आगे की तरफ सप्लाई करना। अब मान लीजिए पूरी लाइन भर गई है लेकिन हमारा इंजन रुक गया है, तो जब इंजन रुक जाए, जब हम गाड़ी को रोक देते हैं, तो उस समय भी इसका काम होता है कि जो फ्यूल भर गया है लाइन में उसे वापस टैंक में ना लौटने देना, उसे वहीं पे बरकरार रखना, वरना वो सारा फ्यूल लौट जाएगा टैंक में और जब आप दोबारा गाड़ी स्टार्ट करेंगे तो क्योंकि फ्यूल है ही नहीं तो गाड़ी स्टार्ट होगी नहीं, गाड़ी लेट स्टार्ट होगी। तो फ्यूल फीड पंप के हमारे पास यहाँ पे दो मेन काम है, एक तो आगे सप्लाई करना, दूसरा जब गाड़ी रुक जाए, इंजन रुक जाए, तो सप्लाई को बरकरार रखना। इसके बाद आता है फिल्टर्स। अब फिल्टर्स ये बहुत ही बेसिक सर्किट बना रखा है मैंने फ्यूल सिस्टम का, क्योंकि फिल्टर्स जो है वो फिर प्राइमरी भी होते हैं, सेकेंडरी भी होते हैं, तो यहाँ पे हम केवल एक ही जगह पे हमने फिल्टर देखा है। तो फिल्टर दो तीन तरीके के आते हैं, आजकल तो बहुत ही अच्छी क्वालिटी के आते हैं, पेपर के बने होते हैं, कुछ कपड़े के बने रहते हैं। तो पेपर टाइप के फिल्टर आजकल बहुत अच्छे आ रहे हैं, तो फिल्टर लगा रहता है, फिर उसके आगे FIP। अच्छा, फीड पंप में भी एक छोटा सा फिल्टर, बहुत ही छोटा फिल्टर लगा रहता है ताकि जो मोटा मोटा कचरा है टैंक से जो आ रहा है उसको रोक सके। अगर वो कचरा इसके अंदर बहुत ज्यादा भर जाएगा तो भी फीड पंप काम करना बंद कर देगा। तो ये सप्लाई जो आगे करता है, थोड़ा सा डीजल को प्योर करके आगे करता है, उसमें भी अगर कुछ गंदगी रह जाती है तो वो ये जो मेन फिल्टर्स हैं वो उस गंदगी को रोक लेते हैं ताकि वो गंदगी जो है हमारे फ्यूल इंजेक्शन पंप, तो फ्यूल इंजेक्शन पंप क्योंकि एक तरीके से दिल है गाड़ी का, सॉरी इंजन का, तो इसके अंदर कोई गंदगी ना जाए। जैसे कि हम ख्याल रखते हैं आपके हमारे हार्ट में बैड कोलेस्ट्रॉल ना जाए, उसी तरीके से इसमें भी गंदा फ्यूल ना जाए उसके लिए हम बहुत ही हैवी फिल्टर यूज करते हैं। टाइम टू टाइम फिल्टर चेंज होने चाहिए, अगर ये फिल्टर चेंज नहीं होंगे तो वो गंदगी इसमें जाने लगेगी और ये अपना काम सही तरीके से नहीं कर पाएगा। अगर इंजन का हार्ट फेल हो गया तो इंजन भी फेल हो जाएगा, इंजन स्टार्ट नहीं होगा। फ्यूल इंजेक्शन पंप का जो आगे कनेक्शन है ये हमने रेड लाइन बना रखी क्योंकि ये इसमें बहुत ज्यादा हाई प्रेशर रहता है। ये पाइप जो है ये स्टील का बना रहता है, कुछ आयरन के बने रहते हैं,
डिपेंड करता है कि कौन सा फ्यूल सिस्टम आप इस्तेमाल कर रहे हैं। बहुत हाई प्रेशर वाला जिसे हम CRDI भी कहते हैं, कॉमन रेल डायरेक्ट इंजेक्शन, या फिर सिंपल रोटरी पंप्स इनलाइन पंप्स। तो यहाँ पे हमारा ये इंजेक्टर लगा हुआ है। तो फ्यूल इंजेक्शन पंप का काम होता है कि पैडल जो आप दबा रहे हो एक्सेलरेटर पैडल, उसके हिसाब से गाड़ी के इंजन को फ्यूल की सप्लाई करना सही मात्रा में, तभी सही एवरेज आएगा, कोई ब्लैक स्मोक नहीं, कोई व्हाइट स्मोक नहीं। तो ये सारे काम फ्यूल इंजेक्शन पंप करता है, जिसे हम आगे आपको बहुत ही अच्छे से इसको बताएंगे, क्योंकि हमारा मेन काम फ्यूल इंजेक्शन पंप को रिपेयर करना ही है, CRDI इंजेक्टर्स को रिपेयर करना ही है। तो ये फिर आगे आता है इंजन में, इसकी सप्लाई आती है इंजेक्टर के ऊपर, और फिर इंजेक्टर जो है पिस्टन के ऊपर इसे सप्लाई करता है। फिर आपको आगे बताइए हमारे फोर स्ट्रोक डीजल इंजन पेट्रोल इंजन के वीडियो से कि इंजन किस तरीके से काम करता है। बाकी जो फ्यूल इंजेक्शन पंप है वो क्रैंकशाफ्ट से और कैमशाफ्ट से भी कनेक्टेड रहता है इनडायरेक्टली, मतलब कभी कुछ सॉरी किसी गाड़ी में क्रैंक्स के गियर से जुड़ा रहेगा, किसी में कैम के गियर से जुड़ा रहेगा। तो वो अलग अलग जो मैन्युफैक्चरर्स हैं वो उसके इंजन पे डिपेंड करता है। तो ये हमारा बेसिक फ्यूल सिस्टम है कि किस तरीके से डीजल की सप्लाई आगे आती है। अब पेट्रोल में अंतर क्या आ जाएगा कि FIP की जगह पे यहाँ पे या तो कार्बोरेटर आ जाएगा, या फिर हमारे पास MPFI आ जाएगा। MPFI होता है मल्टी पॉइंट फ्यूल इंजेक्शन। ये सारे सिस्टम मैं आपको आगे बताऊंगा किस तरीके से काम करते हैं, लेकिन अंतर केवल इतना ही आएगा। तो आई होप आपको काफी कुछ समझ में आएगा बेसिक फ्यूल सिस्टम के बारे में, और हम आपको आगे इसके बारे में और एलैबोरेट करेंगे, अच्छे से बताएंगे। तो कोई भी क्वेरी हो तो आप हमें कमेंट्स के थ्रू पूछ सकते हैं। थैंक यू।